करेंगे इस तरीके से लगेगी तुम लोगों को, बट अपनी पूरी मेहनत चल रही है। जो हाथ है आपके, जो कलाई है, थो क्या है। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, और आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। ऑलमोस्ट मेरी आज मैं चेस्ट वर्कआउट कर रहा हूँ, तो गुरुजी ने बोला पहले अपना चेस्ट वर्कआउट कर, फिर उसके बाद अपना वीडियोस वगैरह स्टार्ट कर। तो आज जो आज अपना लोअर चेस्ट पार्ट ट्रेन करा है, और एक दो सेट जो रह रहे हैं वो करेंगे। बट आप लोगों को लिए जो आज चेस्ट वर्कआउट, यानी कि लोअर चेस्ट पे, जो लोग कहते हैं कि हमारा चेस्ट का लोअर साइज जो है, लोअर पार्ट जो है वो शेप में नहीं आ रहा है, तो आज जो एक्सरसाइजेस मैं आप लोगों को बताऊंगा वो आप अपने रूटीन में ऐड करें, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो करेंगे एक दो तीन चार एक्सरसाइजेस करेंगे लोअर चेस्ट को ट्रेन करने के लिए, शेप में लाने के लिए और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो मेरे भी तीन एक्सरसाइज ऑलरेडी हो चुके हैं, लास्ट एक्सरसाइज जो अभी गुरुजी बताएंगे वो अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं, पीछे आप देख पा रहे होगे ब्लू टी शर्ट में। तो मैं थोड़ा रेस्ट ले रहा हूँ अभी, और थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे को कमेंट करके पूछ रहे हो भैया कि भाई इस वाली इस चीज़ पे आप वीडियो बनाएं, तो उस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा। जो जो आप जिस जिस के लिए आप रिक्वायरमेंट होती है या आप रिक्वेस्ट करते हो, उस पे मैं डेफिनेटली बनाता हूँ। दो तीन वीडियोस मैंने अपने चेस्ट और बाइसेप और फोरआर्म पे भी मैंने बनाया है, और उस पे इतना अच्छा रिस्पांस दिया आप लोगों ने, मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग इतना प्यार दे रहे हो मुझे और मेरी वीडियोज़ को, बस ऐसे ही अपनी कॉन्टीन्यूटी बनाए रखें, क्योंकि मैं अपना रिदम टूटने नहीं दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो जो पहला हम वर्कआउट करेंगे लोअर चेस्ट के लिए, डंबल से करेंगे डिक्लाइन पे, किस तरीके से करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस बेंच पे करेंगे डिक्लाइन, डंबल से करेंगे, मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं, तो एक ही सेट मार के दिखाऊंगा, और हैवी से मारूंगा क्योंकि मेरे को अपनी स्ट्रेंथ भी कंटिन्यू रखनी है। तो करते हैं अपना पहला वर्कआउट लोअर चेस्ट के लिए, आप लोग ये ऐड ऑन करें, डेफिनेटली यू गेट बेस्ट रिजल्ट्स। और वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले हमेशा, जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, कि अपना वार्म अप इतने अच्छे से करें कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, क्योंकि ये बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बिना वार्म अप के ही एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, उससे क्या होता है आपको मसल इंजरी हो जाती है, और कभी मेरे को भी हुई है। बीच बीच में मैं जैसे कि बिना वार्म अप किए एक्सरसाइज करने लग जाता हूँ, तो मेरे को खुद हुआ है अभी तीन चार दिन पहले, मेरे को कॉलर पे, यानी कि मैं बाइसेप कर रहा था, बट मेरे कुछ जो टेक्निक थी, जो पोस्चर था, वो गलत हो गया था, उस वजह से वो मैं एक्सरसाइज गलत कर दिया, और उससे मेरे नेक पे, यानी कि ट्रैप्स पे बहुत गंदा पेन रहा, मैं सो नहीं पाया एक दिन। तो चलो ठीक है, वेट लेंगे 30-30 का, लास्ट वेट मारेंगे, लास्ट सेट मारेंगे, और आप लोगों को दिखा देते हैं कि क्या आप इसके रेपिटेशन जो होंगे लोअर चेस्ट पे, आप इससे डंबल से ले सकते हैं 12 आपके मिनिमम होने चाहिए, उसके ऊपर 2-3-4 जितने भी निकलेंगे वो आपका बोनस पॉइंट होगा, क्योंकि जो लास्ट के जो 3-4 सेट रेपिटेशंस होते हैं वो आपकी मसल को इतना ज़्यादा मजबूर कर देते हैं, पेन कर देते हैं आपको, जो दिमाग से आपको हिलाने की कोशिश करते हैं। बट अगर आप वही अगर कर दो 3-4 रेपिटेशन मार दोगे ना, तो आपकी जो मसल होगी वो अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे से। रिकॉर्ड भी हो जाता है, चलो चलो छोड़ दो चलो, अब ऑन कर लो, ऑन है तो ये अपना लोअर चेस्ट को ट्रेन करने के लिए मेरे को हैवी मारना था, मैंने ये वाला पार्ट, ये वाला सेट अपना होल्ड किया था, वो हुआ था आप लोगों के लिए।
रेपिटेशन आप लोगों को मैंने बताया, अगर हैवी ले रहे हो तो कम रेपिटेशन मार सकते हो, अदरवाइज आप लोगों को इंजरी भी हो सकती है। तो ठीक है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज थी आपके लोअर चेस्ट को ट्रेन करने के लिए। दूसरी एक्सरसाइज पे चलते हैं जो कि होगी अपनी केबल पे। चलो तो गाइस, आज मैं सोच रहा हूँ कि अपनी बॉडी कंडीशन भी आप लोगों को दिखाऊं कैसी हो गई है, क्योंकि गुरुजी ने कही है कि भाई टी शर्ट उतारनी नहीं है, तो आज कहने के उतार के देख ले एक बार कैसी हो गई है। तो आज देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि अपने बॉडी कंडीशन कैसी है, क्योंकि एब्स भी लास्ट वीक से एक दो दिन तो मार ही रहे हैं हम, तीन चार लास्ट वीक से तीन दिन मारा है हमने, तो एब्स भी थोड़े ठीक ठाक दिखने लग गए हैं और अगले एक हफ्ते बाद एब्स और अच्छे से आ जाएंगे। तो आज दिखाएंगे आपको बॉडी कंडीशन कैसी है अभी। चलो बने रहो मेरे ब्लॉग में, बिल्कुल भी स्किप मत करना, मज़ा आ जाएगा वीडियो देखने में, तुम एकदम खुश हो जाओगे, दिल खुश हो जाएगा तुम लोगों का एकदम। चलो ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो दूसरी एक्सरसाइज है और लोअर चेस्ट ट्रेन करेंगे। इस तरीके से आप अपने हाथों को इस तरीके से रखिए, शोल्डर चेस्ट से पीछे रखना है, चेस्ट अप रखनी, ज़्यादा आगे नहीं आना, ज़्यादा बैंड भी नहीं होना, इतना गाइस, बॉडी कंडीशन कुछ इस तरीके से है अभी, और एब्स अभी चल रही है धीरे धीरे, पता नहीं कैसी लगेगी तुम लोगों को, बट अपनी पूरी मेहनत चल रही है और बताना जरूर कि कैसी बॉडी कंडीशन है। ये अपना दूसरा सेट एड ऑन कर सकते हो दूसरी एक्सरसाइज में, इसे भी तीन रेपिटेशन लेने, तीन सेट लेने, पर सेट पे आपको अपने वेट के अकॉर्डिंग अपने 12 रेपिटेशन मिनिमम निकालने, उसके ऊपर जितने भी निकलेंगे आपके बोनस पॉइंट वाले रेपिटेशन होंगे। अच्छे से करें, सेफली करें और ऐड करें और मुझे कमेंट करें कि कैसा है। चलते हैं अपने थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। एक बार तो गाइस, ये अपना तीसरा एक्सरसाइज होगा लोअर चेस्ट के लिए, डिक्लाइन पे ही करेंगे, डिक्लाइन बेंच पे करेंगे। वेट मैंने 10 का लिया है और इस पे आपकी जो टेक्निक होगी और बॉडी पोस्चर होगा उस तरीके से, मतलब आप जो हाथ है आपके जो कलाई है थोड़ा सा इस साइड ऐसे रख लेंगे, ताकि आपका जो चेस्ट होगा पूरा स्ट्रेच होके नीचे आएगा, थोड़ा सा कोहनियां यानी कि एल्बोज अपने इस तरीके से बैंड कर लें और आगे की तरफ रखें, जैसे आप केबल फ्लाई करते हो उस तरीके से नीचे की साइड में रखना है। तो मैं करके दिखा देता हूँ, यहाँ तक स्ट्रेच करें और यहाँ पे देखें, स्ट्रेच करें, तो इस तरीके से आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है लोअर चेस्ट के लिए। डंबल फ्लाई, डिक्लाइन, बेंच पे करना है, इसके तीन सेट लेने हैं। और जब भी आप यहाँ लेके आएंगे, यहाँ पे जो मूवमेंट होगी आपकी चेस्ट पे स्क्वीज करना है, स्क्वीज करते टाइम आपको एक सेकंड का होल्ड लेना है इस तरीके से, ताकि आपको पूरा पंप आए यहाँ पे चेस्ट पे। आप देख सकते हो चेस्ट एकदम पंप होगी, निकल के आएगी, अच्छी शेप आएगी। चलते हैं हमने चौथी एक्सरसाइज की तरफ जो आपके लोअर चेस्ट को ट्रेन करेगी। डन। ये ऐड ऑन करें अपने, ये देखो यहां पे जब एक्सरसाइज करो थोड़ा सा ना अपने आप को होल्ड किया करो ऐसे, जिस पोस्चर में आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना जिस मसल के लिए उसको होल्ड करो, एकदम इतनी अच्छे तरीके से पंपिंग आएगी, पूरा दिन एकदम
आप फील करोगे कि हाँ आपने कोई बॉडी वर्कआउट करा है। तो ये अपना जो आज के जो सेशन था इतना ही था मेरी तरफ से, और आप ये अपने रूटीन में डालें चेस्ट वर्कआउट के लोअर चेस्ट। गाइज आज का जो वर्कआउट है डन हो चुका है, एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा सेशन जो आज चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं लोअर चेस्ट के लिए वो आप अपने रूटीन में एड ऑन करेंगे। एंड अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। वैसे ही इतना अच्छा प्यार और इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, आई एम सो ग्लैड एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू गाइज आर शोइंग योर लव टूवर्ड्स टू मी। तो मैं अपनी तरफ से पूरा 110% देने का कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में विद नए सेशन के साथ, नई टेक्निक्स के साथ, नए व्लॉग के साथ, एक्सरसाइजेस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अगर नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं है। चलो मिलते हैं आप लोगों से नए व्लॉग में, एंड बाय बाय, टेक केयर।